हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पिनस्ट्राइप गेम की स्टोरी को और साथ ही और भी बहुत कुछ। और अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत में टेड पिनस्ट्राइप को फॉलो करता है, जो कि एक बदनाम भूतपूर्व मंत्री है। और टेड इस दौरान अपनी 3 साल की बेटी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा है, जिसका नाम बो है। फिर ये दोनों बाप बेटी इस ट्रेन को एक्सप्लोर करते हैं, जिन्हें ट्रेन के एक कोच में पिनस्ट्राइप मिलता है, जो कि शैडोई फिगर है, जो टेड की बेटी बो को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद ये ट्रेन किसी अननोन जगह पर क्रैश हो जाती है, जिसके कुछ समय बाद टेड को होश आता है और फिर वो बो को ढूंढने में लग जाता है, जो क्रैश साइट के पास ही के टाउन को एक्सप्लोर करता है और साथ ही क्लूज को इकट्ठा करता है, जो कि गेम में बेहद जरूरी है। जिस बीच उसे अपना डॉग जॉर्ज मिलता है, जो इस जर्नी में टेड के लिए काफी मददगार साबित रहा। और टेड बो के गुलेल को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। इस टाउन के लोगों को पिनस्ट्राइप ने मिस्टीरियस जूस पिला दिया, जिससे कि यहाँ के सभी लोग नशे में धुते हैं। आखिरकार टेड पिनस्ट्राइप तक पहुँच जाता है, जिसे हराने के बाद टेड एक अंधेरे भरे कमरे में पहुँचता है, जहाँ पर जॉर्ज अपना सेक्रीफाइस कर देता है ताकि टेड आगे जा सके। इस गेम की एंडिंग के 2 अलग वर्जन हैं, तो चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं। गुड एंडिंग। टेड अपने आप को अपने घर पर पाता है, जहाँ पर उसे बो मिलती है, जिसके साथ वो घर से बाहर जाकर खेलता है। सूरज निकला हुआ है और ये दिन टेड के लिए बेहद खूबसूरत है, जिसको जॉर्ज भी मिल जाता है। और एक जगह बेंच पर बो को अपनी माँ भी मिल जाती है। और टेड की वाइफ ने बटरफ्लाई नेकलेस पहन रखा होता है, जो कि गेम में बटरफ्लाई बनकर टेड की मदद करती है, जिसके साथ ही ये गेम यहीं खत्म होती है। बैड एंडिंग। टेड घर पर आ जाता है, लेकिन रात का समय दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी बो के साथ खेलकर बेंच पर लेटी हुई अपनी वाइफ के पास आ जाता है, लेकिन इसमें उसे अपना डॉग नहीं मिलता, जिसके साथ ये गेम खत्म होती है। वेल, स्टोरी से तो यही पता चलता है कि पिनस्ट्राइप ने टेड की बेटी को किडनैप कर लिया और टेड ने आखिरकार अपनी बेटी को बचा ही लिया। और आखिर में टेड को उसकी वाइफ भी मिल जाती है और दोनों एंडिंग में उसका डॉग या तो उसे मिल पाता है या नहीं मिल पाता। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ये गेम हमें क्या बताना चाहती है और टेड का अपनी बेटी को ढूंढने का मकसद क्या था, ये सब जानकारी हमें इसकी बैक स्टोरी में मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। टेड की इस जर्नी में टेड ने जितने भी क्लूज को इकट्ठा करा है, उससे उसके अतीत पर रोशनी डाली जा सकती है, जिससे पता चलता है कि टेड की पत्नी की मौत के बाद टेड पूरी तरह से टूट गया, जिसकी जीने की उम्मीद खत्म सी हो गई, इसलिए उसने पीना शुरू कर दिया और वो नशे में धुत रहने लगा। और एक दिन कार एक्सीडेंट में उसकी और उसके साथ उसकी बेटी बो की मौत हो गई। टेड जिस विस्की का सेवन करता था, उसका नाम पिनस्ट्राइप था। शायद टेड की वाइफ की मौत में टेड की कोई गलती नहीं थी, पर वो अपने आप को कसूरवार मानता था और इसलिए उसने पीना शुरू कर दिया, यानी कि पिनस्ट्राइप। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से वो खुद और वो मारी गई, और शायद टेड का डॉग अपने मालिक के इंतजार में ही मर गया। तो हम कह सकते हैं ये गेम टेड की आफ्टर लाइफ की जर्नी है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो टेड हेवन डिजर्व करेगा और एक बार फिर अपने परिवार के साथ होगा। लेकिन अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो टेड यहीं फंसा रह जाएगा, जो कि ये जगह हेल से कम नहीं है। लेकिन टेड पिनस्ट्राइप को हराकर बो तक पहुंचता है, यानी कि विस्की को, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया जो उसके पास था। लेकिन उस समय टेड ये सब देख नहीं पाया, क्योंकि वो पिनस्ट्राइप के हमेशा नशे में धुत रहता था। और आखिर में टेड बो के साथ अपनी वाइफ के पास आ जाता है, तो हम कह सकते हैं वो हेवन में है। और अगर टेड हार जाता, जो अपनी बेटी को ढूंढने में फेल होता, तो वो हेल डिजर्व करता। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार वो अपनी फैमिली तक पहुंच ही गया, जिसके साथ ही ये गेम खत्म होती है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस गेम की स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपको इस गेम की स्टोरी वाकई अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मतलब का कंटेंट मेरे चैनल पे मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय-बाय।